हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायाज हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको प्लानेट आयुर्वेदा ब्रांड के काश हर चूर्ण के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये चूर्ण आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज इन सबके बारे में। तो गाइस यदि आप खांसी, जुखाम जैसी समस्या से परेशान है, कोल्ड जैसी समस्या से परेशान है, सांस लेने में तकलीफ है, पुरानी से पुरानी खांसी को दूर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। प्लानेट आयुर्वेदा ब्रांड के काश हर चूर्ण के बारे में, जो कि मार्केट में आपको एक पाउडर फॉर्म में मिलता है, जिसका उपयोग आपके कोल्ड कफ जैसी समस्या से राहत पाने में किया जाता है। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए। इसके अंदर इंग्रेडिएंट के रूप में है मीसी, वंशलोचन, पिपली, ईला और दालचीनी, जो कि गैस खांसी और कफ में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और गैस इसके डोज की बात करें तो डेली आपको एक टेबल स्पून रोजाना लेना है, भोजन के बाद में सादा पानी के साथ में। कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गैस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी करें, ना ही आप इसे ओवरडोजेस लें। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो वैसे आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखें गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है गाइस उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। बेस्ट प्रोडक्ट है गाइस, तो एक बार आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप कफ खांसी जैसी समस्या से परेशान है तो कफ खांसी जैसी समस्या से राहत पाने के लिए एक रामबाण इलाज रहेगा, बस आपको ओवर डोजेस नहीं लेना, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।